hello my dear how are you all are fine okay so let us discuss next question in um, uh, p block element and that is the periodicity of, in chemical properties of group number 16 uh, in the chemical periodicity we will discuss a reaction with hydrogen reaction with oxygen and reaction with सो ग्रुप नंबर सिक्सटीन एलिमेंट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन दे ऑल फॉर्म एच टू ई टाइप हाइड्रोजन जैसे हम ग्रुप नंबर फिफ्टीन में देखते हैं कि एन एच थ्री पी एच थ्री एस एच थ्री एस ए तो हाइड्रोजन बाद में आता है एलिमेंट पहले आता है या हाइड्रोजन पहले आता है एलिमेंट बाद में आता है तो इन इन इनऑर्गेनिक इन, इन केमिस्ट्री द रोल इज फर्स्ट वी हैव टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड देन वी हैव टू राइट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ठीक है तो ग्रुप नंबर सेवनटीन एंड सिक्सटीन में हाइड्रोजन पहले आता है एलिमेंट बाद में आता है ठीक है सो अगर हम हाइड्राइड देखें तो एच टू ओ एच टू एस एच टू एस ई एच टू टी ई एच टू पी ओ ये ये पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव है तो पोलोनियम की अगर हम डिस्कशन ना करें तो भी चलता है टेलेरियम तक ठीक है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव जो होता है उनकी केमिस्ट्री वो अलग केमिस्ट्री होती है उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ठीक है तो ये हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रेड ऑफ सल्फर हाइड्रेड ऑफ सेलेनियम हाइड्रेड ऑफ टेलेरियम तो अब इसकी पीरियोडिसिटी हम डिस्कशन करें तो एज एटोमिक नंबर इनक्रीजिस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिस मतलब कि ये हीट के सामने कितना स्टेबल रह पाता है उसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी तो इसका ऑर्डर हम देखें तो वाटर इज द हाईएस्ट थर्मल स्टेबल एंड दिस हाइड्रेट ऑफ टेल्यूरियम एंड पोलोनियम इज द लोएस्ट थर्मल स्टेबल ठीक है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बना सकते हो ठीक है तो एज एटोमिक नंबर इंक्रीजिस बोन्ड डिसोसिएशन एंथल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीसेस बोन्ड डिसोसिएशन एंथल्पी मतलब कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन का बोन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी जो है वो सक्सेसिवली कम होती जाती है तो ये हाइड्रोजन हमको इजीली मिलता है अगर ये हाइड्रोजन हमको इजीली मिलता है तो हम कहीं पर हाइड्रोजन इजीली सप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी तो जहाँ पे सप्लाई होता है उसका रिडक्शन होता है जो सप्लाई करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो डाउन द ग्रुप बोन डिसोसिएशन एंथल्पी डिक्रीजिस दैन दिस हाइड्रोजन इज ईजिली अवेलेबल सो वी कैन से द रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इनक्रीजिस ये डाउन द ग्रुप दूसरों का जो रिडक्शन है वो ईजीली कर सकता है तो हम ऑर्डर इसका देखें तो वाटर लेस देन द ये जो ऑर्डर है वो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी का ऑर्डर है एच टू ओ एच टू एस एच टू एस एच टू टी ई एच टू पी ओ तो ये विकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है मैं इसको बार बार नहीं दे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रेडियो एक्टिव है यहाँ तक ठीक है अगर कहीं पे है तो ये ले लिया है मैंने तो कोई बात नहीं नो केस ऑब्जर्वड इन विच वाटर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ वाटर जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं ठीक है तो ये जरा आप समझ लेना जैसे ही हाइड्रोजन ईजिली मिलता है तो इसकी रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है तो डाउन द ग्रुप हमें हाइड्रोजन ईजिली मिलता रहता है और ये हाइड्रोजन जो है अगर H+ प्लस के फॉर्म में हमें मिले हालांकि ये इतने सब स्ट्रांग एसिड नहीं है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें H+ प्लस जितना स्ट्रॉन्ग मिलता है इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं मिलता है फिर भी अगर ये हाइड्रोजन हमें H+ प्लस के फॉर्म में हम इसको देखें तो डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन ईजिली अवेलेबल तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है ऑफ एच टू हाइड्रेड एंड क्योंकि टेंडेंसी टू गिव एच प्लस आई एन इंक्रीज एज द टेंडेंसी टू गिव एच प्लस आई एन इंक्रीजिस द एसिडिकेक्टर डाउन द ग्रुप ऑल्सो इनक्रीजिस ठीक है अब आगे देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इसको जरा ध्यान से देखना तो ग्रुप नंबर फिफ्टीन एलिमेंट्स कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड पहला ऑक्साइड जो है वो है ई टू दूसरा ऑक्साइड जो है वो है ई ओ थ्री ये है डाइऑक्साइड ये है ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो ट्राइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है एक ऑक्सीजन के साथ और दो ऑक्सीजन तो ओजोन इज वेल नोन लेकिन ओ फोर हमने कहीं पे देखा नहीं है तो यहाँ पे मैंने डैश लगाया क्योंकि ट्राई ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन नॉट पॉसिबल अब डाइऑक्साइड के फॉर्मूले देखे तो आ, ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड सेलेनियम डाइऑक्साइड टेल्यूरियम डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड के फॉर्मूले देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड सेलेनियम ट्राइऑक्साइड टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड पिरोडिसिटी के बारे में हम डिस्कशन करें तो इसमें एक चीज़ हमें बहुत ही यूजफुल रहेगी वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला टेबल और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल डाउन द ग्रुप क्या पीरियोडिसिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की ये भी हमें थोड़ा आना चाहिए तो ये इजीली समझ में आ जाएगा तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईओ टू डिक्रीज इसकी जो है रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज होती जाती तो मेरा कहने का मतलब है एसओ टू कैन कन्वर्ट इजीली इन SO3 बट टी ई ओ टू कैन नॉट कन्वर्ट ईजीली इन टी ई ओ थ्री मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन ईजिली करता है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसका जो है ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट है तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है या तो बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट तो पीरियोडिसिटी है Z इंक्रीजिस रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऑफ ई टू डिक्रीजिस तो जैसे SO3 थ्री टू एसओ टू कन्वर्ट डिफिकल्ट होता है तो ये अपना रिडक्शन नहीं करता है ये ऑक्सीडेशन करता है इसीलिए इसके पास रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी है ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है रिडक्शन करता है अपना TeO3 से TeO2 इजीली बन जाता है तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो डाउन द ग्रुप अगर ये ओ टू की बात करें तो इसकी रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फोर टू प्लस सिक्स तो ये प्लस फोर टू प्लस सिक्स ईजिली कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इनक्रीजिस एंड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिस तो ये प्लस फोर से प्लस सिक्स में इजिली कन्वर्ट होता है प्लस सिक्स से प्लस फोर में नहीं जाता है तो ये अपना ऑक्सीडेशन इजीली करता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एस टू इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये अपना रिडक्शन इजीली नहीं करता है एसओ थ्री टू एस टू तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वैसे हम टी ओ थ्री में देखें तो टी ओ थ्री में ऊपर से नीचे डिफिकल्ट है नीचे से ऊपर जाना इजी है तो इसमें भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट का सहारा लो तो TeO2 टू कैन नॉट कन्वर्ट इजीओ थ्री मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है तो ये प्लस फोर स्टेबल है प्लस सिक्स इतना स्टेबल नहीं है आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टेबल है वो आप देख लो तो ये डिफिकल्ट है तो TeO3 थ्री जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि टी ओ थ्री में से टी इजीली टू इजिली कन्वर्ट होगा तो ये जो है TeO3 ओ थ्री वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो खुद का रिडक्शन करता है प्लस सिक्स टू प्लस फोर तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा अब हम टी टू की बात करें तो TeO2 ओ टू कन्वर्टेड टू टी ई प्लस फोर टू प्लस टू जाता है तो स्ट्रोंग नहीं है फिर भी टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा है कि प्लस टू प्लस फोर प्लस सिक्स कहाँ कौन सा स्टेबल है वो टेबल में पूरा लिखा है तो टीई ओ टू कैन बी कन्वर्टेड टू टीई तो वो खुद अपना अब प्लस फोर से प्लस टू में रिडक्शन करेगा ठीक है ऐसे जा सकता है जैसे ये टी ई ओ टू है आप ऐसे ये टी ई ओ ठीक है तो इसका ये हुआ प्लस टू ये है प्लस फोर और ये है प्लस सिक्स तो ये इजी है तो अपना खुद का ये रिडक्शन करता जाता है रिडक्शन रिडक्शन तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बहुत ही जल्दी होता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका जो है वो ये 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 जो है प्लस फोर से यहाँ से प्लस सिक्स होगा ठीक है तो ये इसका ऑक्सीडेशन करता है तो ये स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट और एक बात मैं बोल दूँ कि ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर वो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी जो है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस इससे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस तो बेसिक कैरेक्टर नहीं के बराबर है तो हम बोलते हैं कि सब ऑल आर एसिडिक इन नेचर अगर हम पीरियोडिसिटी के बारे में बात करना चाहे तो हम ये पीरियोडिसिटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजिस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजिस तो हम हमको पता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं सेमी मेटल ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस एंड बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इनक्रीज हालांकि यहाँ पे बेसिक करेक्टर बहुत ही कम है क्योंकि ये सेकेंड हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है अगर आपको किस इस दोनों में से कंपेयर करने को बोले कि एसो टू ज़्यादा एसिडिक है कि एसओ थ्री ज़्यादा एसिडिक है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक है वो तो मैंने पहले भी फॉस्फरस में बोला था ऑक्सो एसिड में तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है तो यहाँ प्लस फोर है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है मोर एसिडिक तो एक ही एलिमेंट का अगर डाइऑक्साइड है और ट्राइऑक्साइड है तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक है ये ट्राइक्साइड ठीक है और डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस क्योंकि ये नॉन मेटल है ये मेटल है ये बाद में सेमी मेटल आता है बाद में ये सेमी मेटल है सेमी मेटल है बाद में मेटल आता है ठीक है पर यहाँ पे ध्यान देना ऑल आर एसिडिक एन नेचर क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो टिपिकल ठीक है